साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। अभी तो ये पूरी तरह साथ आए भी नहीं, लेकिन हिंसेदारी पर कैसे मोलभाव चल रहे हैं, लेखा जोखा चल रहा है, लेन देन चल रही है, ये भी देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाला हमारे देश का युवा इन बातों को बहुत बारीकी से देख रहा है। और इन लोगों की आंख में कोई धूल झोंक नहीं पाएगा। साथियों, इन लोगों की दुनिया मोदी से नफरत से शुरू होती है और मोदी को गालियां देकर के समाप्त हो जाती है। मेरी दुनिया मेरी सुबह 125 करोड़ देशवासियों के कल्याण के संकल्प के साथ शुरू होती है, और दिन भर पसीना बहा करके जब रात को सोने जाता हूं, आज कितना अच्छा काम किया इसी पे लगा रहता हूं। मेरा आदि भी वही है, मेरा अंत भी वही है। इनकी दुनिया अपने परिवार को, अपने भाई भतीजों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, और बड़े गर्व के साथ घोषित किया जा रहा है, भाइयों बहनों, मेरी दुनिया तो मेरे 125 करोड़ देशवासी आगे बढ़े उसी के लिए समाज। इनकी दुनिया में भारत के विकास के लिए विजन नहीं है, भारत के भविष्य की बात नहीं है, वहीं मेरी कोशिश भारत को 21वीं सदी में दुनिया का श्रेष्ठतम देश बनाने की है। भाइयों और बहनों, अपने परिवार अपनी सल्तनत को बचाने के लिए ये कितने भी गठबंधन बना ले, अपने कर्मों से ये नहीं भाग सकते। उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं, वो बच नहीं सकते। सिर्फ मोदी का विरोध, इनकी स्वार्थ की राजनीति को अखबारों में जगह दे देगा, मीडिया में चमकते रहेंगे, लेकिन देश की जनता के दिलों में देश को तबाह करने वाले लोग कभी भी जगह नहीं बना पाएंगे। भाइयों बहनों, आपको शायद पता नहीं है, जो लोग जनता से उखड़ जाते हैं, जनता जब उनका मिजाज बदल देती है, जब उनके पैरों की जमीन खिसकने लगती है, तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं। अभी कलकत्ते में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एमएलए है, एक, कितने, एक, लेकिन वहां बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक एमएलए वाली पार्टी उसके नींद हराम करके रख दी है, क्योंकि ये सत्य के मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। एक एमएलए होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का सारी जमात वहां इकट्ठे होकर के बचाओ 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 इसके नारे लगा रही है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, मैं पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। एक अकेले एमएलए ने, इतनी छोटी सी पार्टी ने गलत काम करने वालों की नींद हराम कर दी है, उनकी जमीन खिसक रही है, डर के मारे इकट्ठे हो रहे हैं। भाइयों बहनों, ये लोग
पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, डगर डगर पर जुल्म शाही है। जिस पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी को उसका कार्यक्रम करने के लिए रोक लगा दी जाती हो, हर प्रकार की अलोकतांत्रिक प्रक्रियाएं की जाती हो, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता हो, वे वहां इकट्ठे होकर के लोकतंत्र को बचाने के भाषण देते हैं, तब मुझे इतना ही कहना है, जब पूरे पश्चिम बंगाल का चित्र देखता हूं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले, पंचायत के चुनाव में नामांकन करने के वालों को मौत के घाट उतार देने वाले जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। साथियों, ये लड़ाई सकारात्मक सोच और नकारात्मक रवैये के बीच की है, ये लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार के बीच की है, ये लड़ाई जनता और महागठबंधन के बीच की है। भाइयों और बहनों, सकारात्मक सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्माण का रास्ता है। इसी रास्ते पर हम सभी को, देश के जन जन को तेज गति से चलना है। ये पॉजिटिविटी नए वर्ष में हमारे मन मस्तिष्क में, देश के कोने कोने में बढ़ रही है। इसी कामना के साथ, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के निर्णय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं, मैं सुबह से चल पड़ा हूं, भारत की सेना को मेक इन इंडिया का लाभ मिले, भारत की सेना के पास मजबूत टैंक देश से बनी हुई हो। कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूं देश की सेना के ताकत बढ़ाने के लिए, तो आज अभी दीव दमन में आकर के यहां की जन सुरक्षा के लिए, यहां की युवा पीढ़ी को मेडिकल कॉलेज मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, कलकत्ते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगाड़ कर रहे हैं, और मैं आपके बीच बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूं। ये फर्क साफ है दोस्तों, ये फर्क साफ है। वो खुद को बचाने के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका विकास लेकर के चल पड़ा हूं।